आप ये समझ लीजिए कि ये बवाल क्यों हो रहा है और हिंदू संगठनों की ओर से क्या आरोप है, इसके बाद फिर आगे की बात होगी। पहला ये कि हिमाचल की डेमोग्राफी को बदलने की साजिश रची जा रही है। दूसरा आरोप ये लगाया जा रहा है कि बाहर से आकर पहचान छुपाकर कई लोग रह रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो अचानक से शिमला में आके बस गए, हिमाचल में आके बस गए और लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है वो कहां से आए, कौन है, क्यों आए हैं, इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं है। तीसरा आरोप, रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी हिमाचल में आकर बसने लगे हैं और बात यह भी उठ रही है कि उत्तर प्रदेश में कड़े कानून हो गए हैं जिसके चलते यहां पर नहीं बस पा रहे हैं, तो उनका जो नया एपिसेंटर बन गया है वो क्या बन गया है, हिमाचल बन गया है। चौथी बड़ी बात क्या बोली जा रही है, बड़ी तादाद में अवैध मस्जिद का निर्माण हो रहा है। जो पहले वहां मस्जिदों की संख्या थी वो करीब 310 के आसपास थी, लेकिन मौजूदा समय की मैं बात करूं तो 500 से भी ज्यादा मस्जिदें फिलहाल हिमाचल में बन चुकी हैं। हिमाचल में मदरसों की संख्या में धीरे धीरे इजाफा हो रहा है। पहले इतने वहां पे मदरसे नहीं थे क्योंकि वहां की जो मुस्लिम आबादी है वो 1% से भी कम है। छठा आरोप ये है कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ गई हैं। महिलाओं का ये आरोप है कि जब जुमे की नमाज शुक्रवार के दिन अदा होती है तो महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि पूरे सड़क पर इंक्रोचमेंट हो जाता है और अगर महिलाएं निकलती भी हैं तो उन पे कई तरह की फक्तियां कसी जाती हैं जिसके चलते अब वहां की महिलाएं भी सड़कों पर उतर आई हैं। अब ये सारा आरोप शिमला की संजौली मस्जिद को लेकर शुरू हुआ जिसे पिछले 14 सालों से एक मंजिल से 5 मंजिला कर दिया गया। ना किसी तरह का नक्शा पास कराया गया, ना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से परमिशन ली गई। संजौली मस्जिद के इंतजामिया को कई बार नोटिस भी भेजा गया है, लगभग 35 बार नोटिस दिया गया, लेकिन अवैध निर्माण का काम नहीं रुका, जारी रहा और कोविड में बहुत तेजी से यहां पर कंस्ट्रक्शन भी हुआ है। शिमला की संजौली मस्जिद को लेकर अब देखिए कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। वो क्या क्या सवाल है वो मैं आपके सामने रखती हूं। शिमला की संजौली मस्जिद पर हंगामा क्यों मचा हुआ है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए क्या मस्जिद में अवैध रूप से निर्माण हुआ है, क्योंकि बताया जाता है कि शिमला में अगर आपको 2 मंजिल से ऊपर बनवाना है तो फिर आपको परमिशन लेने की जरूरत होती है, लेकिन इस पूरे मामले में ऐसा नहीं किया गया है। दूसरा सवाल, जमीन सरकार की है या फिर वक्फ बोर्ड की, इसको लेकर भी अभी फिलहाल बहस छिड़ी हुई है। हालांकि वक्फ बोर्ड का ये दावा है कि जमीन उनकी है, लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि ये सरकारी जमीन पर बना हुआ है। जो आम लोग हैं जब उनके वकील कोर्ट में पेश हुए तो उनकी तरफ से भी यही दलील दी गई कि ये सरकारी जमीन पर मस्जिद बनाई गई है, अवैध निर्माण कराया गया है, सरकारी जमीन को हड़पा गया है और इसीलिए डिमोलिश की कार्रवाई होना चाहिए। 5 अक्टूबर को केस की अब अगली सुनवाई होगी, एक सुनवाई हो चुकी है लेकिन 5 अक्टूबर की तारीख अगली दे दी गई है और इस पर म्यूनिसिपल कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। जब आप संजौली के मेन रोड से इस मस्जिद को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे भी इस खिड़की को कवर करने के लिए तिरपाल लगा है। ऊपर की कंस्ट्रक्शन बिल्कुल रॉ है, आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है, कुछ चटाइयां दिखाई दे रही हैं और टॉप फ्लोर पर तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। सीढ़ियां अनफिनिश्ड हैं, फर्श अनफिनिश्ड है, बस बाहर का स्ट्रक्चर खड़ा दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोग आरोप लगाते कि जो इस एंगल से आपको 3 मंजिल दिखाई दे रही हैं, ये 3 मंजिल कोरोना काल के दौरान बनी है। उस वक्त यहां पर तरपाल लगाया गया था और जब 2 साल पहले तरपाल हटा तब इसका विरोध शुरू हुआ। पहले सिंगल स्टोरी होती थी, उसमें ये रहते थे और उसके बाद ये अब आस्ता आस्ता बनती है। कोरोना काल में ये पूरी बनी है। अच्छा, जिसमें ऊपर तरपाल डाली गई थी और अंदर से काम होता रहा। अच्छा, तो जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था तब किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया? किसी ने नहीं किया जी, जब तरपाल लीक हो लोगों को पता अंदर क्या हो रहा है। अच्छा, तरपाल डाला हुआ था, तो ये तरपाल कब हटा? फिर जब तैयार कर दी ने तिरपाल हटा दी। कितने दिन हो गए इस बात को? हम तो 2-3 साल कोरोना के बाद हटा दी थी इन्होंने। अब ये बताइए ये कंस्ट्रक्शन हुआ कब? ये जो 3 मंजिल दिख रही है नई जो बनी हुई है कब बनी है? ये बनी थी कोरोना टाइम में बनी थी जी, कोरोना टाइम में हुआ था और बनी थी और ये मतलब रात को ये मतलब दिन में रात में थोड़ा बहुत काम लगा रहता था ये। कितने लोग आ जाते हैं यहाँ नमाज के लिए एक दिन में? शुक्रवार हजारों की संख्या में आते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं, दूसरा यूपी बन जाता है यहाँ पे। अच्छा। और चलने फिरने में भी बड़ी दिक्कत होती है। तो विवाद कब शुरू हुआ इसका? कंस्ट्रक्शन अगर कोरोना काल में हुआ तो ये 2019-20 के आस 21 तक बनी होगी। 44 जो पेशियां हैं लग चुकी हैं कोर्ट के अंदर और ये कॉरपोरेशन की भी हमारे जो प्रशासन है उनका भी उसमें थोड़ा मतलब कहीं पर जो है लापरवाह है।